दोस्तों हम लोग आ गए हैं जलेबी का दुकान। ये आना जलेबी दे रहे हैं 30 रुपीज का गरम गरम जलेबी। ये जो अन्ना हम लोग को एकदम गरम गरम जलेबी दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा गरम गरम जलेबी बनता है, आप लोग आके परचेस कीजिए। और पाव 50 रुपीज है, हम लोग 30 रुपीज का लिए तो 150 ग्राम मिला। ठीक है, आप लोग प्लेस देकर आके आप लोग परचेस कर लीजिएगा यहाँ पे। हाय दोस्तों, वेलकम बैक चैनल न्यू वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो अभी मैं कहीं मेरे फ्रेंड के साथ में कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग को दिखाएंगे। अगर हमारे चैनल पे आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। फिर चलते हैं, चलिए। फाइनली दोस्तों मैं निकल गया अपना रोड में। बच्चे लोग स्कूल से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपना निजी रास्ता होके हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर। जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप लोग को मालूम हो जाएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और हम लोग को देखते रहिए, कितना मज़ा आएगा। जो कुछ हम लोग दिखाएंगे और कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा ज़रूर। हमारे पीछे पीछे फैमिली लोग भी आ रहे हैं। इधर एक साइड में तालाब है दोस्तों, ये देख सकते हैं। यहाँ का डेकोरेट बहुत ही अच्छे तरह से सजाया गया है। इसी महीना प्रोग्राम है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा डेकोरेट है। तो हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं और इसके ऊपर में बच्चे लोग खेल रहे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। बहुत ही मस्त है यहाँ का लोकेशन, देख सकते हैं पूरा बिल्डिंग से भरा हुआ। आज हम लोग दूसरा रूट में जा रहे हैं, इस रूट में। ये आप लोग देख रहे होंगे बाइक साइड से, ये छोटा सा एक जिम सेंटर है और इधर एक मंदिर है, देख सकते हैं ये हनुमान मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है। जैसे बिल्डिंग है, जब इंद्रनगर से बचपली को आते हैं ये भीड़ भरा रास्ता को छोड़ के तो गाली में आते हैं, तो आप लोग को नहीं मालूम होगा। तो आज देख लीजिएगा बचपली आने का रास्ता, इधर से जाता है बचपली और इधर से भी जाता है। तो हम लोग इस रूट में ना जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं अभी का मोमेंट, इवनिंग टाइम का मोमेंट बहुत ही ज़्यादा। ये हम लोग इस साइड में खड़े हैं, यहाँ पर डाब बिक रहा है, पीछे लोग खड़े हैं ले रहे हैं। बहुत ही भीड़ है यार अभी का मोमेंट। एक तो छुट्टी का टाइम है, ड्यूटी छुट्टी का टाइम, और इतना टाइम बच्चे लोग भी आना जाना करते हैं। और ये हमारा बाचूपल्ली सिग्नल, ये रूट है निजामपेट और ये बोलाराम, ये मियापुर, और हम लोग टारगेट किए हैं ये वाला दुकान जो ओप्पो साइड में लिखा हुआ है, वही दुकान को जाएंगे और ज़रूर कुछ हमारे लिए लेंगे। आप लोग को ज़रूर
मालूम हो जाएगा क्या हम लोग लेने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग दुकान के सामने आ गए। आप सीढ़ी में एंट्री कर रहे हैं। ये दोस्तों हम लोग दुकान आए हुए हैं, देख सकते हैं लोग पूरा सामान वगैरह ले रहे हैं। तो हम लोग भी एक सामान ले रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये लेंगे, आप लोग पहचान लीजिएगा। ये जो फ्रेंड है ये डब्बा को पकड़ा है और मैं उसका आइटम को पकड़ा हूँ। ये लेंगे बोल रहे हैं, लेकिन इसका कीमत जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या बोलता है दुकान वाला? दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये हम लोग छोटा सा होटल में हम लोग छोटा वाला बुंडा खाए। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। देख सकते हैं अभी का मोमेंट, तो देख सकते हैं अभी का टाइम में इतना सुंदर लग रहा है यहाँ का लाइट। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। इधर एक दुकान है फूड, चाइनीज फूड। इधर सब्जी दुकान है, बहुत तरह का सब्जी यहाँ पर मिलता है, हरा भरा। और किराना दुकान भी है। और इधर एक बॉयलर चिकन दुकान, इस साइड से चिकन दुकान का एक गेट है। यहाँ पर भी चाइनीज फूड मिलता है। अभी इवनिंग का टाइम में बनाते हैं यहाँ। ये गुंठे छोटा सा दुकान है। और यहाँ पर एक ऑफिस है, गवर्नमेंट वाला ऑफिस, नगर पंचायत बोलते हैं। ये घर देखिए कितना सुंदर, बहुत ही मस्त लग रहा है जी। ये इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों पहले मैं इस घर में रहा करता था, अभी तो मैं छोड़ दिया जब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करता था उस टाइम। इधर से मैं जब भी आते जाते थे इधर से यही वाला रोड में वहाँ तक। ये एक मंदिर है और यहाँ पर एक सैलून है, अभी न्यू न्यू ओपन किया है यार सैलून। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा रूट में। ये छोटे छोटे बच्चे लोग, एक छोटा सा बच्चा साइकिल चला रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। ये जो इस साइड में सजना है आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं मुनगा। देखो यहाँ बहुत ही मस्त फूल है। यहाँ पर गाय पाला है ये लोग, छोटा छोटा है, बड़ा भी है उस साइड में। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, हम लोग इसको लक्ष्मी मानते हैं। हमको देखकर देखो, मेरे को ही देख रहा है। हम लोग आए हैं बाचूपल्ली टेम्पल के पास, देख सकते हैं इधर का लुक बहुत ही ज़बरदस्त है यार। इतना टाइम देखो, देख रहा है कितना मस्त है, बहुत ही मतलब इस टाइम है ना बहुत ही मस्त दिखाई देता है लुक। ये हमारे फ्रेंड लोग आ गए हैं इन लोग के सामने, तो मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सब कोई। और इस टाइम का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। तो अभी हम लोग अपना फ्रेंड लोग से मिल रहे हैं। दोस्तों इतना हम लोग आटा का गुंडी ले लिए हैं और इसको अभी मैं सनेंगे। और इधर मेरा फ्रेंड वो सब्जी कट रहा है, आप लोग पहचान लीजिएगा ये कौन सी सब्जी है। उधर हमारा दोस्त सिलेंडर गैस है, इसी में अलग अलग बनाएंगे, तुरंत बना लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, बहुत जल्दी ही बना लेंगे। ठीक है फिर आप लोग आगे दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। हाय हेलो दोस्तों,
गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अभी अभी मैं उठ रहा हूँ अपने बिस्तर से। कल का वीडियो इन नहीं किया था, उसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं उठ गया हूँ करीबन करीबन 6 बजे उठ गया। तो मेरा दोस्त कहीं बाहर जाने के लिए बोला है, तो दोनों उठ के चले जाएंगे। मैं भी अब कपड़ा सब उठा के, बिस्तर उठा के मैं तैयार होके निकलेंगे रूम से। और आज का वीडियो ऐसे कंटिन्यू रहेगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, वीडियो मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। आप, मैं रूम को बंद कर लिया, अब मैं रूम से मैं निकल रहा हूँ। ये छोटा सा लड़का इधर हमको देख रहा है। और इधर दो बच्चा खड़े हैं। मेरा दोस्त के यहाँ जा रहा है। आज का मौसम बहुत ही ठंडी है और बहुत मतलब अंधेरा छाया है, बादल बादल किया है। दुकान वगैरह ओपन है सुबह सुबह। सुबह सुबह लोग यहाँ पर अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत ही कम आदमी लोग निकले हुए हैं बाहर में, क्योंकि ठंडी भी लग रहा है, अब स्टार्ट हो गया इसलिए। दोस्तों आज हम लोग आए हैं पहाड़। ये जो पहाड़ है हैदराबाद का बहुत ऊंची पहाड़ है। इधर पत्थर पहाड़ पर्वत से पूरा भरा है। बैक कैमरा से बता रहा हूँ, इस टाइप का पत्थर है इधर ऐसा। और वो साइड पूरा जंगल है। अभी का टाइम में पूरा हरा भरा लगता है। ये आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आज का मौसम थोड़ा बादल किया है, पूरा वाइट बादल, शायद बारिश भी कर सकता है। दोस्तों अब मेरा वीडियो जो आप लोग को मैं दिखाया, और अब मैं रूम को आ गया। तो रूम में मैं क्या क्या मैं बना रहा हूँ आप लोग को मैं बाइक कैमरा से मैं बताने चाहूँगा। आप लोग देखिए, ये कुकर में मेरा दाल बन रहा है, और एक कढ़ाई में इसमें मेरा कुंदरू आलू का सब्जी बन रहा है। तो आप लोग देखिए लिए। तो गाइज आज का वीडियो मैं ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग को भी बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो। तो दोस्तों आप लोग को कैसे लगा हमारे वीडियो, आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों इतना ही आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।